हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और फिर मैं आगे एक न्यू वीडियो लेके। एंड फ्रेंड, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग इस जगह को देख के जान गए होंगे कि किस जगह की बात कर रही हूँ और किस जगह पे मैं आई हूँ। और ये पहले ही इसका नाम था मड़ुआडी, जो बहुत ही बेकार था, एंड अब इसका नाम बनारस हो गया है। एंड बनारस में स्टेशन की बात कर रही हूँ जहाँ पर ऑब्वियसली आप लोग को दिल्ली के लिए ट्रेन मिल जाती है। एंड यहाँ पर मैं आई थी रील शूट करने के लिए, तो मैं सोची यार इतना प्यारा अगर व्यू है एंड प्यारा लोकेशन है तो क्यों ना आप लोग को छोटा सा ब्लॉग बना के देती हूँ। एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा एक गार्डन के तरीके से लग रहा था और बहुत खूबसूरत जगह था यार। एंड आप लोग जब भी आओ तो थोड़ा सा इन्जॉय यहाँ पे भी करो यार। ज़रूरी नहीं है कि स्टेशन है तुम इन्जॉय नहीं कर सकते। हर जगह स्टेशन पे जाने के बाद से क्या होता है, बोरिंग सी फील होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग रील्स के लिए थोड़ा सा शूट करने के लिए आए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सिंबल लिखा हुआ था, आई लव बनारस। एंड फिर मैं सामने आ गई, मैं बोली यार थोड़ा सा मैं सामने भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी नेचुरल वाइब आ रही थी, यहाँ पे कितने सारे पेड़ लगे हुए थे, और पेड़ भी ऑब्वियसली होना चाहिए यार, हमें ऑक्सीजन तो मिलनी चाहिए। अभी तो ठंडी है तो कुछ पता नहीं चल रहा है, एंड गर्मी आएगा तब पता चलता है पेड़ पौधों की कीमत क्या होती है। एंड यहाँ पर एक थोड़ा सा मिनी सा गार्डन के तरीके से लग रहा था, यहाँ पर फ्लावर कटिंग किए हुए थे, बहुत प्यारा लग रहा था। एंड आप देख सकते हैं यार कि कितनी स्पेस है यार। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि किसी भी जगह पर स्पेस होनी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जिस जगह पे स्पेस अगर होती है ना तो उसका व्यू एंड उसका लोकेशन ही एक अलग ही वाइब आने लगता है एंड अलग ही व्यू देखने लगता है। क्योंकि पता है बहुत सारी जगह पे अगर कितनी भी खूबसूरत चीज़ हो, अगर कंजेस्टेड जगह पे होती है ना तो अच्छा नहीं लगता। एंड यहाँ पे देख सकते कि मैं झूला झूल के इन्जॉय कर रही थी, और मैं तो आई थी ना इन्जॉय करने के लिए, तो मैं सोची यार वीडियो के माध्यम से क्यों नहीं आपको भी इन्जॉय करा देती हूँ, और मैं तो आई तो इसीलिए थी ना। तो एंड आप देख सकते कि यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है एक रील शूट करा रही थी, क्या बोलते हैं, स्कूटी से, तो मैं उसको दिखाने की कोशिश की हूँ। एंड स्पेस की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूटी चलाया जा रही है एंड फुल राउंड आप देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं इसके नीचे से मैं अपना कलाकारी दिखाती हूँ, मैं गई एंड एक जो हार्ट सिंबल बन रहा था उसको देखिए मैं टच कर रही थी, एंड उस पर मैं एक सेल्फी लिवा रही थी। मैं बोली यार मैं ऐसे हूँ, आप एक सेल्फ़ी खींच लो, एंड सेल्फ़ी भी ली, वीडियो भी बनवाई, और बहुत मतलब मेरी इतनी हाइट का था वो, आप देख सकते हैं वीडियो में कि मेरे हाइट का है, कितना बड़ा लिखा हुआ है और कितने बड़े सिंबल में था। और फिर मैं क्या कर रही थी ना कि मैं एक एक जो भी मतलब जितने सारे लिखे हुए थे, जितनी सारी चीज़ें थी, उसको मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और जो लोग आए होंगे, जो पहले विजिट किए होंगे, उनको खुद पता होगा कि ये मतलब मैं तो थोड़ा सा बाद में आई हूँ यार, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैं जब भी आई हूँ तो मैं सोची यार आपको वीडियो दिखाती हूँ। एंड आप देख सकते हैं एक एक सिंबल लिखा हुआ था, मैं एक एक सिंबल दिखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे लिखा हुआ था BANARAS बनारस लिखा हुआ था, तो मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और काफ़ी मतलब मैं तो इन्जॉय करती रहती हूँ, और कहीं भी जाती हूँ इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय करो, और ऐसे ही रहना चाहिए। कहीं भी जाओ फुल इन्जॉय करो, मस्ती करो, छोटी सी जगह हो या बड़ी जगह हो, इन्जॉय के साथ रहना चाहिए एंड इन्जॉय करना भी चाहिए, दूसरों को भी कराना चाहिए। एंड फिर मैं देखी कि पीछे बहुत सारे लोग हैं यार, तो मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी तो एक छोटी सी बच्चों की तरह ही हूँ। देखे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे, तो मैं भी सोची मैं भी इसके अंदर क्यों ना राउंड राउंड कर लूँ। और देखे मैं किस तरीके से राउंड राउंड कर रही थी, एंड पीछे के जो लोग थे मुझे देख रहे थे एंड बच्चे भी देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मैं पागलपंती करती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से लोग हंसें, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, और मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ। तो क्योंकि हंसना और हंसाना बहुत फ़र्क होता है। फिर आफ्टर दैट मैं बाहर की चीज़ें सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो मैं बोली यार मैं मेरी सिस्टर को ली, मैं बोली चलो थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंदर का तो होना चाहिए, बाहर की तो सारी चीज़ें हो चुकी। तो आफ्टर दैट हम लोग अंदर आ गए, और अंदर आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन एंड कितना क्लियर एंड कितना साफ है यार। आप जगह देख सकते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, हमें खुद साफ सफाई रखनी चाहिए अपने जगह को, अपने प्लेस को, अपने देश को, क्योंकि ताकि दूसरे स्टेट से भी लोग आएँ तो यहाँ की चीज़ों की, यहाँ की जगह की एक बहुत रिस्पेक्टफुल वैल्यू करें कि हाँ मैं यहाँ पे गया था। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक ट्रेन लगी हुई थी, मैं बता रही थी ना कि ऑब्वियसली यहाँ पे दिल्ली के लिए ट्रेन मिल जाती है, तो यहाँ पे दिल्ली की वाराणसी टू दिल्ली के लिए ट्रेन लगी हुई थी। एंड कोई ट्रेन मिले या ना मिले, लेकिन आपको दिल्ली के लिए यहाँ पर ट्रेन हमेशा लगी रहती है, क्योंकि मैं बहुत पहले कई बार दिल्ली गई हूँ, तो यहीं से ट्रेन पकड़ के गई हूँ। तो पहले मड़ुआडी था, एंड आफ्टर दैट बनारस हो गया, और अच्छा भी। और यहाँ पर देखिए एक SBI कार्ड लिखा हुआ था। एंड फिर मैं पीछे आ गई, क्योंकि थोड़ा सा अंदर भी मैं सोची थोड़ा सा दिखा दूँ, तो यहाँ पे नया भारत लिखा हुआ था। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ टिकट काउंटर थे, एंड यहाँ पे नया भारत सशक्त भारत फिर लिखा हुआ था। एंड यहाँ पे टिकट काउंटर पे लोग काम कर रहे थे, एंड यहाँ मोदी जी थे, तो मेरी बहन माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से हैंड मिलाने की कोशिश, बट वो कहाँ पर मिला। एंड आफ्टर
आफ्टर दैट हम लोग एग्जिट हो गए यार, क्योंकि बहुत समय हो चुका था एंड हम लोग को जाना भी था। एंड मैं सोच रही थी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, और मैं बता देना चाहती हूँ कि ये सारे जितने भी व्यू जितने भी लोकेशन आप देखें ये पीछे के साइड का था, फ्रंट मैंने लिया नहीं क्योंकि फ्रंट अभी उतना बना नहीं है, अभी बन ही रहा था। एंड नेक्स्ट वीडियो में वो भी फ्रंट बन जाएगा बहुत क्लियरली, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दिखा दूँगी। एंड मैं बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। बाय बाय।